ये देखो जो फ्लैश है ये इसकी मेमोरी है, स्पेस है फ्री, और जो डी रैम है ये इसकी रैम है। तो ये आपका केबी के अंदर शो करेगा जिसे आपको जीबी में कन्वर्ट कर। दोस्तों टीवी तो ले लिया एलजी का, मगर हमें पता ही नहीं कि टीवी के अंदर रैम कितनी है, मेमोरी कितनी है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि टीवी के अंदर मेमोरी और रैम कैसे चेक करी जाए। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक ज़रूर देखना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेटिंग वाला बटन दबाएंगे तो फर्स्ट ये क्विक सेटिंग ओपन होगी हमारी। इसमें यहाँ पे स्टार वाला साइन जो आ रहा है ये ऑल सेटिंग है। यहाँ पे ऑल सेटिंग ओपन होने के बाद हमें जाना है यहाँ पे जर्नल पे। जैसे हम जर्नल पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा ऑप्शन प्रोग्राम का। प्रोग्राम पे जाने के बाद प्रोग्राम ट्यूनिंग, तो हमें प्रोग्राम ट्यूनिंग पे ही रखना है, और मगर ये कर्सर हटाना है। अब ये मार्क हुआ हुआ है, इस पर हमें रिमोट में न्यूमेरिकल की है जो एक नंबर, यानी कि रिमोट में एक नंबर को 5 बार हमें प्रेस करना है। जब हम 5 बार प्रेस कर देंगे तो हमारी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। अब ये देखिए यहाँ पर जो है इसकी मेमोरी शो करेगी, ये फ्लैश मेमोरी है, यानी कि जो हमारे टीवी के अंदर पूरा स्पेस है वो यहाँ पे केबी में है, और ये डी रैम है। यहाँ पे ये हमारा रैम है जो कि केबी में ही शो कर रहा है, इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा जीबी में। तो अप्रोक्स 1.5 GB जो है इसकी रैम है, और मेमोरी इसकी है 7.6 जो पूरी LED की टोटल स्पेस है। तो उसमें हमारा सॉफ्टवेयर भी होता है और बाकी एप्लीकेशंस भी उसी के अंदर होती है। तो अप्रोक्स 2 GB या 4 GB के आसपास हमें मिलता है, हर मॉडल के हिसाब से आपको अलग स्पेस मिलेगा।